स्वागत है आपका मेरे इस हिंदी चैनल में। मैं हूं साजन चंदेल और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल में। आज हम अनबॉक्स करेंगे आउटडोर पीटीजी डोम हाई स्पीड कैम। तो चलिए देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन। ये रहा मेरा आईपी आउटडोर डोम कैम, हाई स्पीड पीटीजी डोम कैम। तो ये आईपी कैमरा है, चलिए देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलिए देखते हैं इसे अनबॉक्स करके। इस तरह से इसकी पैकिंग थी, जैसे कि आप देख सकते हैं चारों तरफ से पैकिंग इसकी इस टाइप से थी। क्लाउड कैम भी है, ओ एन बी एफ भी सपोर्ट करता है, ऑडियो सपोर्टेड है, मतलब इसमें स्पीकर और माइक दोनों हैं, वाईफाई इनबिल्ट है, एचडी आईपी कैमरा है, फुल एचडी आईपी कैमरा है ये 2 मेगापिक्सल। ये इसका बॉक्स है, ये इसकी यूजर मैनुअल है, ये अडाप्टर, पावर अडाप्टर, इंडोर पावर अडाप्टर लग रहा है मुझे, पर शायद इसे आउटडोर यूज कर सकते हैं इस तरह से लगा के, अगर हम इसे इस तरह से लगाएं सीधा तो ये आउटडोर यूज के लिए परफेक्ट है, क्योंकि कहीं से पानी घुसने की जगह नहीं है इसमें नीचे की अपेक्षा। और कुछ ऐसे सीरीज है इसमें, जैसे ये प्लग कनेक्टर दिया है यूएस स्टैंडर्ड टू यूरोप स्टैंडर्ड, पर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा ऑलरेडी प्लग यूरो स्टैंडर्ड का है। ये कुछ स्क्रू है, स्क्रू ड्राइवर, ये हमारा कैमरा, इस तरह से आप देख सकते हैं। स्टार्ट। तो ये इस तरह से ये कैमरा है, देखिए फ्रंट में ये इस पर कवर है, इस लेंस पे पन्नी लगी हुई है, वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। और ये इसका ये वॉल माउंटिंग के लिए है, ये स्टैंड है, इस तरह से पूरा अपना कैमरा रहेगा, आउटडोर कैम है, वाटरप्रूफ। और ये रहा इसका एंटीना, इस एंटीना का हम कसिंग है, कवर किया हुआ है इसमें बैक साइड के लिए, यहाँ की पैकिंग के लिए, ताकि ये वाटर रेजिस्टेंस हो जाए। कसने से पहले इस कवर को हम यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे, ताकि जब हम इसे कसें दीवार पे या किसी भी सरफेस पे तो पानी किसी भी तरह अंदर ना जा सके, इसके लिए ये कवर दिया हुआ है। और कुछ तो मुझे लगता है कि बॉक्स में होगा, और कुछ नहीं है। तो ये हमारी अनबॉक्सिंग थी इस कैमरे की, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मेमोरी कार्ड स्लॉट है, जो मैं आपको भी खोल के दिखाऊंगा। अंदर साइड की 2 स्क्रू खोल के कैबिनेट ऊपर होके यहाँ पे मेमोरी कार्ड स्लॉट रहेगा इसका। तो पहले मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ आपको, फिर आपको मैं मेमोरी कार्ड स्लॉट दिखाऊंगा इसका। तो चलिए मैं इसे प्लग इन करता हूँ और आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कैमरा। तीन पोर्ट दिए हुए हैं, एक पावर पोर्ट है, RJ45 ईथरनेट पोर्ट, और ये है रीसेट स्विच। तो इसकी मदद से हम कैमरे को रीसेट कर सकते हैं, तो ये पावर पोर्ट की ज़रूरत है। RJ45 की ज़रूरत तो फिलहाल हमें नहीं है, अगर हमें POE के थ्रू अगर इसे कनेक्ट करना हो या डायरेक्ट लैन कनेक्शन देना हो तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो जो फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। मैं इसे पावर देता हूँ, और ये पूरा 360 डिग्री घूमेगा, ये कलर नाइट विजन के लिए इसमें LED लाइट्स दिए हैं। और अभी आप देखेंगे इसमें जो अपने इंफ्रारेड लाइट रहते हैं वो भी एक बार चालू होंगे अभी इसमें। अभी खैर लाइट ज्यादा है तो इंफ्रारेड लाइट चालू नहीं होगी, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये वॉइस रिकॉग्निशन, इसमें वॉइस रिकॉग्निशन भी है, और
दिखाता हूँ मैं आपको, ये इंफ्रारेड सेंस, ये इंफ्रारेड लाइट है जो आपको लाइट दिख रहे हैं, जो वाइट दिख रहे हैं ये वाइट एलईडी लाइट्स हैं। ये हमारा कैमरा है, ये स्पीकर है और ये सेंसर है हमारा, जिस पे क्लिक करने पे इंफ्रारेड लाइट आपको दिख जाएंगे। अगर मैं सेंसर्स पे अपनी उंगली रखता हूँ तो आपको इंफ्रारेड लाइट दिख जाएंगे, और मूवमेंट पे ये अपना एलईडी लाइट भी जला लेगा, और जैसे ही मैं हाथ हटाता हूँ तो एलईडी लाइट भी बंद हो जाएंगे कुछ समय में। इस तरह से ये हमारा कैमरा है, आउटडोर डोम कैम, PTZ हाई स्पीड डोम कैम है ये, और इसका लुक आप देख सकते हैं चारों तरफ का, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इस कैमरे को। और ये हमारा बारकोड दिया हुआ है डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने के लिए। और चलिए मैं इसका आपको कार्ड स्लॉट दिखाता हूँ। सॉरी, इसमें कार्ड स्लॉट नहीं है क्योंकि ये ONVF सपोर्टेड कैमरा है, तो ये अपने NVR से सपोर्ट होके चलेगा, या डायरेक्ट इसमें रिकॉर्डिंग आपके मोबाइल में कर सकते हैं। तो मैंने तो अपने NVR के लिए इस कैमरे को ऑर्डर किया हूँ। तो चलिए अब इसका कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ मैं आपको। ओके, अब ये कॉन्फ़िगरेशन मोड पे है कैमरा, तो मैं उसे यहाँ रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए हम इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो यूज़र मैनुअल है, यूज़र मैनुअल उठा के देखते हैं कि किस सॉफ्टवेयर पे सपोर्ट करेगा ये हमारा कैमरा। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है YCC 365, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। तो चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं हम अपने फ़ोन में। ये मेरा फ़ोन है, हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले जाएंगे हम प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर, और सबसे पहले हम मेरे फ़ोन को हमारे वाईफाई से कनेक्ट करेंगे। तो ये होम से मैं अपने घर के नेट वाईफाई से इसे कनेक्ट करता हूँ। इस तरह से मैं अपने वाईफाई से कनेक्ट हो गया हूँ। अब क्योंकि इसी वाईफाई के थ्रू मुझे अपना कैमरा एक्सेस करना है, इसलिए मैंने इससे कनेक्ट किया हूँ। अब ये सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल करता हूँ, YCC 365, और इसका प्लस वर्जन इंस्टॉल करना है जो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। इसमें लॉगिन विथ लोकल लॉगिन करेंगे हम, ठीक है। अभी कोई कैमरा इंस्टॉल नहीं है इसमें। इंस्टॉलेशन से पहले हमें कैमरे को रीसेट करना पड़ेगा, तो चलिए रीसेट करके दिखाता हूँ मैं कैमरे को। ये मेरा कैमरा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये रीसेट स्विच है, तो चलिए मैं इस रीसेट स्विच को प्रेस करता हूँ। रीसेट सक्सेस, और ये मेरा कैमरा वो रोटेट हो रहा है। से मेरा ये कैमरा रीसेट हो गया है। अब चलिए इसे रीसेट करने के बाद हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो ये प्लस का जो साइन है इसमें मैं क्लिक करूंगा और नेक्स्ट अलाउ। गो टू सेटिंग, कनेक्ट। अब इसे हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें हॉटस्पॉट का ऑप्शन है, तो ये कैमरा क्लाउड कैम हॉटस्पॉट दिया हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा फ़ोन कैमरे के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाएगा। और हमें नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट डिवाइस का अकाउंट और पासवर्ड डालना होगा यहाँ, जो हमें यहाँ यूज़र मैनुअल में मिलेगा। तो यहाँ पर हमें डिवाइस अकाउंट और डिवाइस पासवर्ड की ज़रूरत है, जो हमें यहाँ पे यूज़र मैनुअल में दिया हुआ है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमें डिवाइस अकाउंट और डिवाइस पासवर्ड दोनों दिया हुआ है। तो चलिए हम इंटर करते हैं। अकाउंट, डिवाइस अकाउंट है एडमिन,
ये सब स्मॉल लेटर में आएगा एडमिन, और पासवर्ड होगा हमारा 1 2 3 4 5 इस तरह से, और ये नेक्स्ट। तो ये हमारा कैमरा कनेक्ट हो गया हमारे फ़ोन से। अब कहाँ का कैमरा है तो वो हम दे सकते हैं, तो मैं इसे एंट्रेंस पे लगाऊंगा, तो एंट्रेंस पे क्लिक करके मैं स्टार्ट एक्सपीरियंस कर देता हूँ, और इसके बाद हम इसका व्यू देख सकते हैं। अभी आपको व्यू थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरे पे एक पन्नी चढ़ी हुई है ब्लू कलर की। देखिए हल्का सा ब्लू इफेक्ट आ रहा होगा आपको, मैं ये पन्नी हटा के आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड में आपको पन्नी हटा के दिखाता। देखिए हल्का सा ब्लू इफेक्ट सा है, तो मैं इसकी पन्नी हटाता हूँ। ये देखिए ये मैंने पन्नी हटाया, ये बिल्कुल फुल HD कलर आपको शो होंगे इसमें। तो मैं फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ आपको, देखिए इस तरह से फुल HD कलर पे दिखेगा ये। और इसे जहाँ मुझे मूव करना है वहाँ मैं मूव कर सकता हूँ। देखिए ये मेरा कैमरा है, मैं जैसे इसे साइड में मूव करना है तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन होगा मूवमेंट के लिए, देखिए बकायदा मेरा कैमरा टर्न होगा जैसा कि आप देख सक रहे हैं। इसे ऊपर करना चाहता हूँ, देखिए नीचे, और मैं अपने साइड घुमाता हूँ इस कैमरे का फेस। आप कैमरा देख सकते हैं ऊपर हो रहा है, इस तरह से ऊपर होगा और नीचे, इस तरह से वर्क करेगा। अब इस कैमरे का नाइट विजन और डे टाइम व्यू मैं आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए ये हमारा कैमरे का इंस्टॉलेशन और अनबॉक्सिंग थी, अब हम तो चलिए इस तरह से ये सॉफ्टवेयर इस कैमरे का जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं इसे लेफ्ट करूँगा तो लेफ्ट मूव होगा, लेफ्ट पे लेफ्ट, राइट पे राइट, देख सकते हैं आप। अप करूँगा तो अप मूव होगा, और डाउन करूँगा तो डाउन मूव होगा, ये तरह से ये। और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं कि हमें रिकॉर्डिंग HD करना है, प्लेबैक देखना है, अपना वॉइस कंट्रोल करना है, मतलब हम यहाँ से ये माइक हमारा मोबाइल माइक बन जाएगा, और स्पीकर ऑलरेडी उस कैमरे में दिया हुआ है, और यहाँ से हम LEDs को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपने साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये है हमारा कैमरा, और ये मैं दबाता हूँ माइक का स्विच। हेलो 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 हेलो, इको होगा, और यहाँ से अगर मैं साउंड का स्विच दबाता हूँ तो साउंड ऑफ, अब ये साउंड ऑन। तो हेलो 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 हेलो, देखिए कैमरे के थ्रू साउंड आ रहा है हमारे मोबाइल में, तो इस स्विच भी ऑफ करता हूँ, नहीं तो इको होगा साउंड, तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये LEDs के लिए स्विच दिया हुआ है इसमें, जैसे मैं इसे ऑन पे क्लिक करता हूँ, सॉरी ऑन, ये LEDs ऑन हो गई कैमरे की, परमानेंट LED परमानेंटली जलेंगी। और इसे ऑफ करना चाहता हूँ तो ऑफ पे क्लिक करता हूँ, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, ये LEDs ऑफ हो गई। और
ये ऑटो मोड है, जिसमें क्या होगा, लाइट बंद होने पर LEDs ऑटोमेटिक जल जाएगी। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसे ऑटो मोड पर डाल दिया हूँ और अब मैं इसके सेंसर पर उंगली रखूँगा तो LEDs चालू होना चाहिए। पहले नाइट विजन और मूवमेंट दिखने पर, अगर यहाँ पर थोड़ी सी मूवमेंट दिखेगी तो ये LEDs चालू हो जाएगी इसकी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कलर नाइट विजन आ गया इसमें, ये देखिए कलर नाइट विजन आ गया। अब मूवमेंट हटते ही से उसका लाइट बंद होना चाहिए ना, तो ये देखिए अब इसका कलर नाइट विजन हटना चाहिए। ये देखिए जैसे ये लाइट चालू होगा नाइट विजन मोड से बाहर आ जाएगा ऑटो मोड पे। तो मैं इसे ऑटो मोड पे ही रहने देता हूँ और अब आपको मैं इसके HD क्वालिटी, अगर हमें वीडियो रिकॉर्ड करना है तो HD पे क्लिक करेंगे तो HD क्वालिटी वीडियोस रिकॉर्ड होगी, पर थोड़ा सा जो टाइम है थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा कि मूवमेंट होने के थोड़ी देर बाद हमें कैमरे पे व्यू होगा, इसलिए हम इसे HD क्वालिटी पे ही रहने देते हैं। यहाँ से हम इसकी प्लेबैक, मतलब जो रिकॉर्डिंग्स होगी वो रिकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। सॉरी, प्लेबैक का ऑप्शन नहीं, रिकॉर्डिंग का है। देखिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, मैं अपने मोबाइल में इस कैमरे की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये कैमरे के सॉफ्टवेयर का रिव्यू था। यहाँ पे स्विच बना हुआ है, स्विच से भी लेफ्ट और राइट शायद ये कैमरा हो सकता है, या ये हाई स्पीड PTZ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्विच दिया हुआ है, इससे भी कैमरा मूव करेगा। और यहाँ से इस बटन से हम अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी अगर हमें वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करना है, स्क्रीनशॉट बस लेना, तो उसके लिए ये है। इस स्विच से हम पूरा फुल स्क्रीन व्यू देख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं फुल स्क्रीन व्यू यहाँ से बैक। और चलिए मैं इसे नाइट विजन टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि इस कैमरे का नाइट विजन कैसा है। चलिए तो मैं आपको नाइट विजन टेस्ट करके दिखाता हूँ इस कैमरे का। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं अब ये लाइट में था, है ना, अब मैं इसे नाइट विजन पर डालता हूँ, नाइट विजन पे आ गया है। अब इसे कलर नाइट विजन पे करना है हमें, तो थोड़ा सा मूवमेंट लगेगा और ये पूरी तरह कलर नाइट विजन पे जाएगा। सॉरी, देखिए कलर नाइट विजन पे आ गया है, अब आपको बिल्कुल क्लियर कलर दिख सकते हैं हर चीज के। देखिए कलर नाइट विजन है, इस तरह से इसकी LEDs कलर नाइट विजन का काम करते हैं। और अगर ये स्टिल हो जाएगा तो ये नॉर्मल नाइट विजन पे चला जाएगा। इसका भी ऑप्शन है इसमें, अगर हमें चाहते हैं कि ये कलर नाइट विजन पे ना जाए तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं अंदर, डिवाइस नेम, मॉडिफिकेशन पासवर्ड, कार्ड मैनेजमेंट, और भी ऑप्शन है इसमें जो मैं आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगा। तो उसमें हम इसका जो कलर नाइट विजन वाला सिस्टम है वो बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये रिव्यू था। चलिए मैं आपको पहले, इस तरह से नाइट विजन ऑफ हो गया है। तरह से ये रिव्यू था और अनबॉक्सिंग थी इस PTZ हाई स्पीड IP कैमरे की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर और लाइक करें। थैंक यू।